चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसमें आपको बताया गया, आपको बोला है अ टी बीम सेक्शन, अ टी बीम सेक्शन हैज अ फ्लैंज विड्थ, हैज अ फ्लैंज विड्थ। मैं पूरा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आप साथ साथ में क्या गिवन डेटा लिखते जाइए। हैज अ फ्लैंज विड्थ ऑफ 1200 mm, ठीक है, सेम हो गया। एंड फ्लैंज थिकनेस ऑफ 115 mm, 115 mm, एंड रिब विथ ऑफ 250 mm, ऑफ 250 mm। अब इसमें आपको बोला गया है फाइंड द रीइंफोर्समेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस सेक्शन। फाइंड द रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस्ड सेक्शन, फॉर द बैलेंस्ड सेक्शन एंड द लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। यूज FE250, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या बोला है, यहाँ पर AST लिमिटेड निकालने के लिए बोला है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिट निकालने के लिए बोला है। तो बेसिकली क्या बोला है आपको, बैलेंस सेक्शन है, ठीक है, आपके पास क्या है यहाँ पर, बैलेंस्ड सेक्शन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, आपको यहाँ पर XU और XU लिमिट निकालने की नीड नहीं पड़ेगी, वहाँ पर आपको कंपेयर करने की नीड नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी क्या बोल दिया ये कि आपको बैलेंस सेक्शन है, तो आपको यहाँ चेक नहीं करना पड़ेगा कि आपके पास जो सेक्शन है वो अंडर इन्फोर्स्ड है, ओवर इन्फोर्स्ड है, बैलेंस्ड है, कौन सा है, ऐसे टाइप के नीड नहीं रहेगी। बस आपको क्या निकालना है, AST लिमिटेड निकालना है और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है इस बैलेंस सेक्शन का, ठीक है। गिवन डेटा आप लिख लिए होगे, मेरे को बताइए क्या क्या है। फ्लैंज विड्थ आप देखे होगे, BF कितना है ये 1200, फिर आप फ्लैंज थिकनेस मतलब डेप्थ की बात कर रहे हैं तो ये कितना आपके पास 115 mm, फिर रिब विड्थ, रिब में आपको बताया था क्या होता है, वेब को ही बोलते हैं, तो BW दिया है आपको कितना 250 mm। नेक्स्ट आपको बोला है आपको निकालना है रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब AST लिमिटेड आपको निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटेड भी आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको FCK और FY भी बोल दिया गया है कितना है, FCK आपके पास 20 MPa, FY कितना आपके पास 250 MPa, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो केसेस जो थे, ठीक है, केसेस की अगर मैं बात करूँ तो केसेस आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस है वो फ्लैंज के अंदर पे लाई कर रही है कि वेब के अंदर लाई कर रही है, वेब के अंदर भी लाई कर रही है तो वो रेक्टेंगुलर पोर्शन के अंदर पे लाई कर रहा है, उसका फ्लैंज की पैराबोलिक लोकेशन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर XU तो है नहीं, हमें क्या देखना पड़ेगा, XU लिमिट को देखना पड़ेगा। तो XU लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, XU लिमिट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है, तो XU लिमिट का फॉर्मूला K×D, के कितना होता है आपके पास 0.53 इंटू इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ दिया है क्या आपको, इफेक्टिव डेप्थ आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ आपको 450 बोला गया है। इफेक्टिव डेप्थ जो है, मैं यहां पे लिखा नहीं हो गया, इफेक्टिव डेप्थ लिख लेना यहां पर, इफेक्टिव डेप्थ आपके पास 450 mm आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में कितना गिवन है 450 mm आपको इफेक्टिव डेप्थ गिवन है। तो यहाँ पर 0.53 इंटू कितना हो जाएगा ये 450, सॉल्व करिए इसको कितना है 450 इंटू 0.53 करेंगे कितना आएगा 238.5 mm, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको कंपेयर कर लीजिए XU लिमिट और DF को, XU लिमिट और DF को अगर आप कंपेयर करेंगे तो XU लिमिट कितना है 238.5 mm है,
तो वो डीएफ कितना है आपके पास, 115 mm। तो एक्स यू लिमिट आप देख सकते हैं, एक्स यू लिमिट क्या है आपके पास, ग्रेटर देन है डीएफ से। तो मतलब ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा केस नंबर टू, ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, केस नंबर टू। अब आपको देखना है केस नंबर टू तो है वो ठीक है, लेकिन वो केस नंबर टू का ए वाला पार्ट है कि केस नंबर टू का बी वाला पार्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको बोला था अगर वैसा कर रहे हो तो इसका क्या कर लेना, आप रेशियो देख लेना डीएफ अपॉन डी का बैलेंस सेक्शन में। तो अगर ये रेशियो अगर आपके पास 0.2 से अगर आपके पास ज़्यादा आया, ठीक है, यहाँ पर डीएफ कितना है आपके पास, 115 और स्मॉल डी कितना है आपके पास, 450, ठीक है, स्मॉल डी कितना है आपके पास, 450। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास 0.255, ठीक है। तो यहाँ पर डीएफ बाई डी क्या हो रहा है आपके पास, 0.2 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा केस नंबर टू का बी वाला केस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, केस नंबर टू का बी वाला केस हो जाएगा। अगर आप 0.2 नहीं भी चाहते हैं तो आप उसको सीधा एक्स्यू लिमिट की वैल्यू पुट करके भी देख लेंगे, तो भी आपके पास डीएफ बाई डी की वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है आपके पास, ग्रेटर देन ही आपको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बी वाला केस है, तो यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिटिंग आपके पास जो सेक्शन है, तो यहाँ पर आपके पास जो डेप्थ होगी फ्लैंज की, उसको हम कितना ले लेंगे, उसको हम ले लेंगे इक्विवेलेंट डेप्थ, कौन सा ले लेंगे हम, YF। तो यहाँ पे YF की वैल्यू, YF का फॉर्मूला कितना होता है, 0.65 इंटू DF प्लस 0.15 इंटू XU लिमिटिंग बैलेंस सेक्शन है, तो कितना हो जाएगा 0.65 इंटू DF कितना है, 115 प्लस 0.15 इंटू XU लिमिटिंग कितना है, 238.5। XU लिमिटिंग कितना है हमारे पास, 238.5। कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 110.525, ठीक है। देख लीजिए ये डीएफ से क्या आ रहा है आपके पास, लेस देन वैल्यू ही मिल रही है, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, है ना, डीएफ से कम ही आनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर आपके पास वाईएफ आ गया, कितना आया ये, 110.528। इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और क्या निकालना है हमें, रीइन्फोर्समेंट निकालना है एएसटी लिमिटेड। चलिए तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर एएसटी लिमिटेड निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पर, एएसटी लिमिटेड कैसे निकालेंगे, ये आपको समझ में आ गया कौन सा केस है, ये केस नंबर टू का, ये कौन सा है, बी वाला केस है, जहाँ पर मैं डेप्थ ऑफ फ्लैंज कितना लूँगा, मैं वाई एफ लूँगा। तो एएसटी लिमिटेड निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सी इक्वल्स टू टी से भी निकाल सकता हूँ। टोटल सी क्या हो जाएगा आपके पास, सी वन प्लस सी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, टी। सी वन कितना होता है हमारे पास, 0.36 एफ सी के इंटू विड्थ ऑफ द वेब इंटू एक्स यू लिमिटेड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, लिमिटिंग सेक्शन है। प्लस सी टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.45 इंटू एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, ये वाई एफ, ठीक है। यहाँ पे डी एफ नहीं लिखना, ये वाला कौन सा वाला केस है, वाई एफ वाला केस है। इक्वल्स टू टी कितना हमारे पास, 0.87 इंटू एफ वाई इंटू क्या हो जाएगा, ये ए एस टी, ए एस टी लिमिटेड लिख लीजिए, ए एस टी लिमिटेड। चलिए इसको पुट करिए आप, क्या क्या आ रहा है ये आपके पास, 0.36 इंटू 20 इंटू बी डब्ल्यू कितना है, विड्थ ऑफ वेब कितनी है आपके पास, 250 इंटू एक्स यू लिमिटेड कितना आया था आपके पास, 238.5 प्लस कितना है ये, 0.45 इंटू 20 इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, बी एफ कितना है, 1200 माइनस बी डब्ल्यू कितना है आपके पास, 250 इंटू वाई एफ, वाई एफ कितना आया था हमारे पास, वाई एफ आया था 110 माइनस 110.525 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0.87 इंटू 250 इंटू ए एस टी लिमिटेड, ए एस टी लिमिटिंग। तो यहाँ पर मैं ए एस टी लिमिटिंग निकालना चाह रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू को पहले कैलकुलेट करिए, ये वाली वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए, 0.36 इंटू 20 वाली जो पूरा इक्वेशन है उसको कैलकुलेट करिए, कितना है वो,
कितना है ये आपके पास एएसटी लिमिटिंग जो आपके पास आ रही है वो टोटल कितनी आ रही है 6279.95 mm² 79.95 mm² वो चेक कर लेना, गलत तो नहीं है वाली वैल्यू, ठीक है 6279.95 वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अपन क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C1 इंटू Z1 प्लस C2 इंटू Z2। C1 कितना हमारे पास 0.36 FCK BW इंटू XU लिमिटिंग, Z1 कितना हो जाएगा D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग, प्लस C2 कितना होता है 0.45 FCK BF माइनस BW इंटू YF, ठीक है यहाँ पे DF मत लिख देना, इंटू Z2 कितना हो जाएगा D माइनस YF बाय 2, ठीक है सेकेंड का B वाला केस है, तो जहाँ जहाँ पे DF था वहाँ वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, वहाँ DF की जगह पे हम इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द फ्लैंज ले लेंगे जो कि इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम YF से। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, ये आपके पास आएगा 0.36 इंटू 20 इंटू BW कितना है 250 इंटू 250 है ना इंटू XU लिमिट कितना आया था, XU लिमिट आया था 238.5 इंटू D कितना है आपके पास 550, D कितना है आपके पास सॉरी 450 है 450 माइनस 0.42 इंटू XU लिमिट कितना है 238.5 प्लस 0.45 FCK 0.45 इंटू 20 इंटू BF कितना है आपके पास, BF है आपके पास विड्थ ऑफ द फ्लैंज 1200 माइनस वेब के और थिकनेस कितना है आपके पास, विड्थ कितनी है वेब की 250 इंटू YF हमने निकाला था, YF कितना निकाला था हमने 110.525 इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म कितना हो जाएगा 450 माइनस 110.525 बाय 2। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ी इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है इसको आप सॉल्व करिए, ये वाले इक्वेशन को आप सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिमिटिंग इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन, ये वाली वैल्यू बताइए कितनी आ रही है आपके पास, आराम से सॉल्व करिए कोई जल्दी नहीं है। आपकी जो यूनिट आएगी वो न्यूटन mm में आएगी, जो यूनिट आएगी वो न्यूटन mm में आएगी। वैल्यू यहाँ पर आपके पास आएगी कुछ 519.89 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है मैंने डिवाइड कर दिया उसको 10^6 से, तो यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को 10^6 से मैंने क्या किया यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब आप बोलोगे सर AST लिमिटेड निकालने का फ़ायदा क्या था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैसे भी निकल जाता, पूछा गया इसलिए हमने निकाला है, ठीक है AST लिमिटेड यहाँ पर पूछा गया है। दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको अगर मान लीजिए बैलेंस सेक्शन नहीं होता तो हमें XU निकालने के लिए टेंशन फोर्स से हमें क्या करना पड़ता है, इसको इक्वेट यहाँ पर करना पड़ता, तो वहाँ पर आप क्या निकालते हैं XU आप वहाँ पर निकाल लेते, लेकिन इस केस में XU लिमिटिंग आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है इस केस में क्या है आपके पास XU लिमिटिंग आपके पास ऑलरेडी गिवन है। तो फ्लैंज सेक्शन समझ में आया, फ्लैंज सेक्शन में कैसे करोगे आप एजम्पशन के बेस्ड में क्या करोगे आप डील करोगे, एजम्पशन में मतलब सबसे पहले जो तीन केसेस जो बताए हैं आपको कि आपके पास न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में और डेप्थ ऑफ फ्लैंज के रिस्पेक्ट में आपको जो तीन केसेस बताए हैं वो तीन केस के रिस्पेक्ट में आप कैसे उसको प्रोसीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एजम्पशन। आपको एजम्पशन देखना पड़ेगा कि सबसे पहले वाले केस को आप अज्यूम करेंगे वो अगर सही होगा तो उसके हिसाब से आप डिज़ाइन करेंगे, नहीं तो आप दूसरे केस में जाएंगे वो अगर सही होगा तो
उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। वहाँ पर आप डीएफ की केस लेंगे, वो भी अगर गलत हो गया तो आप थर्ड केस में जाएंगे। वहाँ पर अगर क्या बोलते हैं, वहाँ पर आप क्या लेंगे, इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ द फ्लैंज आप लेंगे वाईएफ। वाईएफ का फॉर्मूला 0.65 डीएफ प्लस 0.15 एक्सयू। ठीक है, इस केस में अगर बैलेंस सेक्शन आएगा तो यहाँ पर आप रेशियो के टर्म्स में, आपको एजम्पशन की नीड नहीं होगी, आप रेशियो के टर्म्स में आप क्या कर लोगे, सीधा आप केसेस को फाइंड आउट कर लोगे। डीएफ बाई डी लेस देन 0.2 है तो कौन सा हो जाएगा, ये डीएफ वाला केस हो जाएगा। डीएफ बाई डी ग्रेटर देन 0.2 है तो क्या हो जाएगा, ये सीधा वाईएफ वाला केस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में मैंने क्वेश्चन को डील कर लिया। पहला, जब आपको पता नहीं है कि वो अंडर इन्फोर्स्ड है कि ओवर इन्फोर्स्ड है क्या है, तो उसमें आपको डील करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आपके बैलेंस सेक्शन दिया तो कंपैरेटिवली ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो फ्लैंज के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो ये आपसे ईजिली आपको बनना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं कोई दूसरे टाइप का क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर मैंने एक नया क्वेश्चन लिया है। इसमें आपको बताया गया, अ डबली रीइन्फोर्स्ड बीम सेक्शन इज 250 mm वाइड एंड 500 mm डीप टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रीइन्फोर्समेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि आपके पास एक सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है एक बीम का, जिसमें आपके पास विड्थ कितना बोला है 250 mm और आपके पास 500 mm डेप्थ बोला है, कहाँ तक, टू द सेंटर ऑफ द टेंसाइल रीइन्फोर्समेंट। मतलब अगर यहाँ पर रीइन्फोर्समेंट है तो इसका इफेक्टिव डेप्थ आपको दिया गया है कितना, 500 mm। ठीक है, इट इज़ रीइन्फोर्स्ड विथ 3 bars ऑफ 16 mm डायमीटर इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में आप 3 bar डाल दीजिए, कितने बार डालेंगे, 3 bar आपने कंप्रेशन में डाल दिया है। और आपको बोला गया है टेंशन में कितने आपके पास, 4 bars ऑफ 20 mm। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पर आपके पास कितने हैं, 4 bars आपके पास आए हैं, कितने के, 20 mm के। तो यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है 20 mm के, और यहाँ पर आपके पास दिख रहे हैं 3 bar कितने के, 16 mm के। ठीक है, डायमीटर कितने आपके पास, 16 mm के डायमीटर के। आपको बोला यहाँ पर निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस Fe, 500 यूज़ करना है, Fc के कितने आपके पास, 20 MPa। और यहाँ पर जो D डैश की जो वैल्यू दी गई है, मतलब D डैश क्या है आपके पास, कंप्रेशन जो रीइन्फोर्समेंट है उसका जो कवर है, इफेक्टिव कवर है, वो कितना आपके पास, D डैश। तो वो D डैश की जो वैल्यू दे दी गई है वो कितना आपके पास, 50 mm आपको यूज़ करने के लिए बोला है। ठीक है, आपको अल्टीमेटली निकालना है क्या, यहाँ पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है उसका जो सेक्शन आपको गिवन है। चलिए, यहाँ पर आपके पास देख लेते हैं गिवन क्या क्या आपके पास। सबसे पहले एरिया ऑफ रीइन्फोर्समेंट गिवन है, दोनों में ASC भी गिवन है और AST भी गिवन है। तो कंप्रेशन में आपके पास कितना है, 3 bar है, 3 × कितने mm के, 16। तो ये पाई बाय 4 × 16 का स्क्वायर। सिमिलरली AST कितना गिवन है आपके पास, AST गिवन है आपके पास 4 bars हैं, कितने के, 20 mm के, पाई बाय 4 × 20 का स्क्वायर। ये दोनों की वैल्यू बताइए मेरे को, ASC और AST की वैल्यू बता दीजिए, ASC और AST की वैल्यू बता दीजिए कितनी आई है। कितना आ रहा है ये, 603 mm स्क्वायर, ये आ रहा है आपके पास 603 mm स्क्वायर। AST की वैल्यू कितनी आ रही है, AST की वैल्यू आपके पास आ रही है 1256 mm स्क्वायर। ठीक है, AST की वैल्यू कितनी आ रही है, 1256 mm स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, बाकी आपको ये तो पता है, आपको D डैश वगैरह गिवन है। अपन को निकालना क्या है, FSC निकालना रहता है, हमें क्या निकालना रहता है, FSC मैंने क्या बोला था कैसे निकालने के लिए, पहले D डैश बाई D का रेशियो देख लेना। तो D डैश कितना दिया आपको, 50 mm, और D कितना दिया आपको, 500 mm। तो यहाँ पर ही कितना आ रहा है आपके पास, 0.10। टेबल देखेंगे आप, टेबल अगर आपको पता होगा IS कोड में आपको गिवन होगा D डैश बाय D का टेबल, जो कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन होगी, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ग्रेड गिवन होगा, और यहाँ पर क्या गिवन होगा, ग्रेड। तो उसमें आप Fe 500 का देख लेना, Fe 500 का अगर आप टेबल देखेंगे तो IS कोड में गिवन है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितनी है आपके पास, 424, 411, 395 और 370। ठीक है, 424,
411, 395 और 370, ऐसी कुछ वैल्यू होगी। हमारे पास डी डैश बाई डी कितना आ रहा है हमारे पास 0.1। तो सिंस डी डैश बाई डी हमारे पास 0.1 आ रहा है, एफ ई कौन सा दिया हमें 500 का दिया है, एफ ई 500 के लिए निकालना है। तो यहाँ पर जो मैं एफ एस सी की वैल्यू लूँगा वो कौन सी लूँगा, एफ एस सी की वैल्यू मैं ले लूँगा 411, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो एफ एस सी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास 411 एम पी ए, क्लियर है। तो यहाँ तक आपके पास क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। तो स्टेप नंबर वन में क्या करते हैं हम, स्टेप नंबर वन में हम निकालते हैं एक्स यू लिमिट। स्टेप नंबर वन में हम निकालते हैं एक्स यू लिमिट। फॉर्मूला क्या है आपके पास, के इन टू डी एफ वाई, एफ ई 500 के लिए के की वैल्यू कितनी होती है 0.46 इंटू डी कितना गिवन है हमें, इफेक्टिव डेप्थ हमें गिवन है 500 mm। तो यहाँ से आप निकालिए 46 इंटू 5 करिए कितना हो जाएगा 460 का हाफ, तो कितना हो जाएगा 230। तो एक्स यू लिमिट कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स यू लिमिट आपके पास आ जाएगा 230 mm, एक्स यू लिमिट आपके पास आ जाएगा 230 mm। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू की अगर मैं बात करूँ, स्टेप नंबर टू में क्या निकालते हैं हम एक्स यू, एक्चुअल डेप्थ निकालते हैं। अब एक्चुअल डेप्थ कैसे निकालेंगे, एक्चुअल डेप्थ का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर टेंसाइल फोर्स के इक्वेट कर देते हैं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्लैंज बीम का फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, क्योंकि मैं अभी आपको फ्लैंज बीम पढ़ाया था। क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है डबली रीइंफोर्स्ड बीम, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला आपको, डबली रीइंफोर्स्ड बीम। तो क्वेश्चन में सिंस डबली रीइंफोर्स्ड बीम बोला है तो यहाँ पर आपके पास कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास 0.36 एफ सी के बी इन टू एक्स यू प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एफ एस सी माइनस एफ सी सी इन टू ए एस सी, ठीक है। ये वाला मैंने एनालिसिस करके बताया था आपको डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम में, कि अगर आपके पास डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम है तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या हो जाएगा सी वन प्लस सी टू, सी वन प्लस सी टू करेंगे तो सी टू क्या था आपके पास, आपके पास जो कंप्रेसिव फोर्स किस में देखे थे हम, जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ में जो आपके पास आ रहा है स्टील में आपके पास जो आ रहा है, तो वो कितना आपके पास ए एस सी इंटू एफ एस सी माइनस क्या करते थे एफ सी सी। एफ सी सी क्यों माइनस करते थे, क्योंकि आप जो रीइंफोर्समेंट जो आप डाल रहे हो कंप्रेशन जोन में ऊपर टाइप ऊपर जो जोन में आप रीइंफोर्समेंट डाल रहे हो, तो उतने एरिया का कॉन्क्रीट क्या हो जा रहा है आपके पास बाहर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं लिखूँ तो कितना हो जाएगा 0.36 इंटू एफ सी के कितना है हमारे पास 20 इंटू विड्थ कितनी है हमारे पास 250 इंटू एक्स यू प्लस एफ एस सी कितना हो जाएगा हमारे पास, एफ एस सी हमने निकाला अभी 411 माइनस एफ सी सी कितना हो जाएगा 0.45 एफ सी के, ठीक है। और एफ सी के कितना है हमारे पास 20 इंटू ए एस सी कितना है, ए एस सी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए एस सी हमने निकाला था कितना था 603। तो ये क्या था हमारे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स। अब अगर इसको मैं सी इक्वल्स टू टी का अगर मैं कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, आप इसको पूरा लिखिए 0.36 इंटू 20 इंटू 250 इंटू एक्स यू प्लस 411 माइनस 0.45 इंटू 20 इंटू 603 इक्वल्स टू टेंसाइल फोर्स कितनी है हमारे पास 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। और एफ वाई और ए एस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ वाई हमें गिवन है 250 इंटू ए एस टी कितना है हमारे पास, ए एस टी 1256 mm स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूले से आप मेरे को बताइए एक्स यू की वैल्यू बताइए, ये वाला फॉर्मूले से आप मेरे को एक्स यू की वैल्यू बताइए, एक्स यू की वैल्यू कितनी आई है चेक करके बताइए मेरे को, एक्स यू कितना आ रहा है मेरे को फाइंड आउट करके बताइए। चलिए यहाँ पे एफ ई 250 नहीं है, एफ 500 है, ठीक है। तो एक्स यू आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक्स यू कुछ आएगा 168.86 mm, ठीक है। तो आपके पास एक्स यू कितना है 168.86, एक्स यू लिमिट कितना है आपके पास 230। तो कंपेयर करने अगर मैं बोलूँगा स्टेप नंबर थ्री में, स्टेप नंबर थ्री में अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स यू कैसा दिख रहा है आपको, लेस देन कैसा दिख रहा है एक्स यू लिमिट, मतलब सेक्शन कैसा है आपके पास, सेक्शन है आपके पास अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, सेक्शन कैसा दिख रहा है आपके पास अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि आप निकालिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस,
अगर मैं यहाँ से बोलूँ आप निकालिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलूँगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम निकाल रहे हैं फ्रॉम कंप्रेशन एंड, तो कितना होता है ये? सी वन इंटू जेड वन प्लस सी टू इंटू जेड टू। सी वन कितना है आपके पास? 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। जेड वन कितना होता है आपके पास? डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू। अंडर इनफोर्स्ड है तो एक्स यू लिमिट नहीं लेंगे अपन, एक्स यू ही रखेंगे। प्लस सी टू कितना होगा आपके पास? सी टू हो जाएगा आपके पास ए एस सी इंटू एफ एस सी माइनस एफ सी सी इंटू कितना हो जाएगा? डी माइनस डी डैश। ठीक है, कितना हो जाएगा? ए एस सी इंटू एफ एस सी माइनस एफ सी सी इंटू डी माइनस डी डैश। डी माइनस डी डैश क्या आपके पास? जेड टू लीवर आर्म। ठीक है, तो इसको आप निकालिए तो कितना हो जाएगा? 0.36 इंटू एफ सी के कितना आपके पास? 20 इंटू बी कितना है? 250 इंटू एक्स यू हमने अभी निकाला 168 पॉइंट कितना आया था? 168.86 इंटू डी कितना था हमारे पास? 500। डी कितना दिया था हमें? 500 माइनस 0.42 इंटू 168.86 प्लस ए एस सी कितना है आपके पास? ए एस सी है 603 इंटू एफ एस सी कितना था? 411 माइनस 0.45 इंटू एफ सी के। एफ सी के कितना है आपके पास? 20 इंटू डी माइनस डी डैश, मतलब ये कितना हो जाएगा? 500 माइनस 50। तो इतनी बड़ी वैल्यू जो आई है उसका मेरे को बताइए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपके पास आया है इसको आप सॉल्व करिए, कितना है आपके पास वैल्यू मेरे को बताइए। ठीक है, वैल्यू मेरे को बताइए कितनी आई है। देखिए आप सब साइंटिफिक कैलकुलेटर रखे होंगे आई होप, तो जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिएगा मेरे को, तो फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो कितना आ रहा है ये? तो यहाँ पर आपके पास जो मोमेंट रेजिस्टेंस जो आपके पास आ रहा है वो कुछ 239.35 किलो न्यूटन मीटर देखने को मिल रहा है। जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे? 10 to the power 6 से आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको कुछ मिलेगा 239 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, आसपास ही वैल्यू कुछ आनी चाहिए, अगर कुछ एकदम ही ज़्यादा डिफरेंट आएगी उसको देख लेना, बट मेरी जो वैल्यू आ रही है वो कुछ 239.35 किलो न्यूटन मीटर आ रही है। एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप चेक करते रहिएगा, कोई भी आप निकालते हैं ना तो तुरंत तुरंत टाइप करके आप उसको चेक करते रहिएगा। फ़ोन से क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फ़ोन पर उतना रिलाई भी नहीं कर सकते कैलकुलेशंस पे। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, आप यहाँ पर डबली रिइंफोर्स बीम के क्वेश्चंस को आप एनालाइज करेंगे। मेनली क्या था, मैं आपको फ्लैंज के जो आपको बताया, फ्लैंज का निकालना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि वहाँ पर हमें इसमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट कोई केस वगैरह देखना नहीं है, जो पूछा बस वो निकाल देना है। लेकिन फ्लैंज सेक्शन में क्या होगा आपके पास, आपको देखना पड़ता है केस के बारे में कि वो कौन से केस के अंदर अप्लाई करता है। ठीक है, बाकी सिंगली रिइंफोर्स बीम के तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो आई होप मैंने उसको जो बताया था PT के बारे में AST के बारे में आपको जो मैंने स्टेप्स बताया था बस आपको देखना है, वो आप अंडर इन्फोर्स सेक्शन आप वो डिज़ाइन करें कि लिमिटिंग सेक्शन अगर आपसे पूछा गया तो दोनों का PT का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लिमिटिंग सेक्शन का PT का फॉर्मूला 41.36 वाला एक बताया था मैंने, और क्या बोलते हैं अगर PT से अगर आप निकाल रहे हैं अंडर इन्फोर्स में तो वो जो फॉर्मूला था वो 1 - √1 - 4.6 mu वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लेना, तो दोनों से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो सिंगली रिइंफोर्स को काफ़ी सिंपल होता है, वो आप कर लेंगे, सिंपल होता है, लेकिन येट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव वहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्लैंज वगैरह में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आपका यूनिवर्सिटी वगैरह पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसमें अगर आप देख रहे हैं एग्जाम्स वगैरह में कॉम्पिटेटिव में तो फ्लैंज वगैरह से क्वेश्चन कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। ठीक है, बाकी डब्ल्यू रिइंफोर्स बीम में आपको मैं अच्छे से बता दिया हूँ, यहाँ से भी आप क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर 2 को मैं रैप अप करता हूँ, नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 में अपन पढ़ेंगे शीयर वगैरह के बारे में, तो अभी मैं सिर्फ फ्लेक्चर के डिज़ाइन के बारे में बताया था, नेक्स्ट अपन शीयर डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन मॉड्यूल नंबर 3 में। ओके, थैंक यू।